नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस्त एप्लीकेशन, क्रेडिट बी और होम क्रेडिट के बारे में। अगर आप लोग इन तीनों में से किसी एक एप्लीकेशन से लोन लिए होंगे और उसका EMI आप भर रहे होंगे, तो आपको यह भी पता होगा कि छूट के लिए इनके तरफ से अभी तक आपको कोई भी अपडेट नहीं मिला होगा या नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर छूट के लिए अपडेट मिल चुका है, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इस वीडियो के अंत तक बने रहे, पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोन पर मात्र 21 दिन का छूट के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि सामान्यतः RBI की तरफ से यह सलाह दिया गया था बैंकों को या फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनी को कि आप जो है 3 महीने का EMI पर और क्रेडिट कार्ड पर छूट प्रदान कीजिए। मतलब जो लोन का EMI कट रहे हैं उस पर कम से कम 3 महीने का छूट प्रदान कीजिए और इसका जो भी इंटरेस्ट बनता है वो आप लोगों से वसूल लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को यह भी पता होगा कि कुछ कंपनी के द्वारा, कुछ बैंकों के द्वारा यह लेट से अपडेट किया गया, जिसकी वजह से अगर आप लोग एक किस्त EMI भर भी दिए हो या फिर उस पर पेनल्टी वगैरह लग भी गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे 2 महीने का छूट आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, किस्त एप्लीकेशन की तरफ से एक अपडेट किया गया है और इस अपडेट में आप लोगों को छूट नहीं मिला है, बल्कि यहां पर जो आप लोग EMI पेमेंट कर रहे थे उनका जो पेमेंट डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं तो यदि आप किस्त एप्लीकेशन से लोन लिए हैं और उसका EMI आप जिस टाइम से पेमेंट कर रहे हैं, जो आपका डेट है उस डेट पर अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उस पर आप छूट लेना चाहेंगे तो किस्त एप्लीकेशन की तरफ से मात्र 21 दिन का छूट दिया जाएगा, यानी कि 21 दिन बाद आपको यहां पर EMI चुकाना ही पड़ेगा। अब यहां पर इससे यह पता चलता है कि RBI का जो सलाह था 3 महीने का, उसे यहाँ पर नहीं माना गया है, सिर्फ 21 दिन का छूट दिया जा रहा है। अब यहाँ पर इतना ही नहीं है, इस पर जो चार्ज इंटरेस्ट है वो भी आपसे वसूला जाएगा, जो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि किस्त एप्लीकेशन पर जो भी आप रीपेमेंट कर रहे थे उसका 20% प्लस GST आपसे चार्ज किया जाएगा, जो कि वन टाइम के लिए चार्ज किया जाएगा। मतलब 21 दिन का आप यदि छूट प्राप्त करना चाहते हैं, एक्सटेंड करवाना चाहते हैं टाइम, तो इसके लिए आप जो रीपेमेंट कर रहे थे उसका 20% प्लस GST आपको चार्ज देना पड़ेगा, जो कि एक बार ही देना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरह के टाइम एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर ट्विटर पर जो है डायरेक्ट मैसेज कीजिए या फिर आप इनके ईमेल एड्रेस पर मैसेज कीजिए। जिस तरह से आप कांटेक्ट करने को जानते हैं उस प्रकार से आप लोग कांटेक्ट कीजिए। तो ये तो हो गई बात किस्त एप्लीकेशन के बारे में, जो हमने आपको बताया कि इस पर अभी तक 3 महीने की छूट की बात नहीं हुई है, बल्कि आपको 21 दिन का छूट दिया जा रहा है, 21 दिन टाइम एक्सटेंड किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट बी के बारे में। काफी लोगों का कमेंट आया हुआ था कि क्रेडिट बी की तरफ से अभी तक कोई भी सुनवाई इस मामले में नहीं है, तो क्रेडिट बी ने ट्वीट कर यह बताया है कि इनका जो भी प्रोसेस है छूट प्राप्ति के लिए, जो भी प्रोसेस है ये आपस में अपना पॉलिसी के साथ कर रहे हैं, इनका जो भी टीम है वो आपस में विचार कर रही है। तो यहाँ पर उम्मीद यही लग रहा है कि कुछ दिनों में, एक दो या फिर दो चार दिनों में इनके तरफ से भी छूट वाला अपडेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं होम क्रेडिट के बारे में। दोस्तों, होम क्रेडिट की तरफ से एक PDF जारी किया गया है, जहाँ पर पूरी डिटेल के साथ बताया गया है कि अगर आप लोन EMI को अभी पेमेंट करते हैं तो आपसे कोई भी चार्ज या फिर जो आपका चार्ज लग रहा है, जो EMI लग रहा है, वही आपसे लिया जाएगा। अगर आप यहां पर उस EMI पर छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, जो होगा इंटरेस्ट रेट, यानी इंटरेस्ट रेट के अनुसार से इंटरेस्ट जो है आपको देना पड़ेगा। तो फिलहाल होम क्रेडिट की तरफ से एक PDF जारी किया गया है जिसमें पूरा डिटेल बताया गया है, तो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप उस PDF को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकती हैं। यहाँ पर होम क्रेडिट की तरफ से यह भी कहा गया है कि यहाँ पर 2-4 दिनों में, यानी कुछ ही दिनों में अपडेट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन पर या फिर वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा कि किस माध्यम से आप लोग छूट प्राप्त कर सकती हैं। तो आप लोग कन्फर्म हो जाओ कि होम क्रेडिट पर आपको छूट मिलेगा, 3 महीने का जो छूट चल रहा है वो 3 महीने का छूट मिलेगा। अगर हम क्रेडिट बी के बारे में बात करें तो इसमें अभी 50-50 चांसेस है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यह लग रहा है कि इसमें
भी आपको छूट मिल जाएगा। और किस्त के बारे में बात करें तो 21 दिन का टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यदि आप लोग यहां पर उनसे संपर्क करोगे, उनको मैसेज करोगे, तो वो जो है 21 दिन का टाइम एक्सटेंड कर देंगे। तो यहां पर अब कुल मिलाकर बात यह है कि अब जो है कंपनी के ऊपर है, अगर वो 2 महीने या फिर 1 महीने या फिर 3 महीने का छूट दे रहे हैं तो वो उनकी बात है। अगर वो 10 दिन, 20 दिन या फिर 30 दिन का छूट दे रहे हैं तो भी ये उनके ऊपर है कि वो आपको कितना दिन का छूट दे रहे हैं। फिलहाल हमने आपको इस वीडियो में सारा अपडेट दे दिया है, जो भी अपडेट आया था इसके बारे में हमने अपडेट दे दिया है। तो आप ऐसा मत समझ लेना कि सभी के तरफ से 3 महीने का छूट आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे करके जो भी कंपनी अभी बची हुई है वो अपने पॉलिसी को देखते हुए पूरा अपने टीम के साथ डिस्कशन करके उसके बाद ही वो फैसला लेती है कि क्या 3 महीने, 2 महीने या फिर 21 दिन का ही छूट दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।